बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रब्बि शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ये हमारी फिफ्थ क्लास है और पिछली हमारी लास्ट चार क्लासेस के अंदर हमने सेंटेंस को लेकर इंग्लिश का स्टार्ट लिया था और अभी भी हमारी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की तरफ जाने में दो तीन क्लासेस बाकी हैं, जो कि टेंसेस की क्लास से हम जो है ना सीखना शुरू होंगे किस तरह जुमले बनने हैं। तब तक बस स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने नाउन और वर्ब्स पे बात की थी कि एक जुमले के अंदर नाउन और वर्ब्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और उसमें नाउन के अंदर रहते हुए हमने तीन हालतें पहचानी थी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव नाउन। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव नाउन जानने के बाद फिर हमने सब्जेक्ट की चार किस्में निकाली थी, आई, यू और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी दो तरीके के हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो उनके साथ फिर सब्जेक्ट को पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्ब्स जो लगते हैं ना, वर्ब्स सब्जेक्ट के मुताबिक लगते हैं। और उस सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद वाली क्लास में हम आ गए थे, वर्ब के भी दो कैटेगरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब पे आए थे, हेल्पिंग वर्ब में तीन बॉक्सेस बनाए थे, एक बी का, एक डू का और एक हैव का। तो उसमें बताया था कि कौन से सब्जेक्ट से के साथ किस तरह का हेल्पिंग वर्ब जा सकता है, और वो ज़्यादा बेहतर हम जुमलों के अंदर ही देखेंगे जब हम टेंसेस पे आएंगे। ये खाली स्ट्रक्चर्स हैं। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब पे बात की थी कि एक्शन वर्ब की हमें फॉर्म्स पता होनी चाहिए, जिसके नाम हमने नहीं गिने थे, बस यही लिखे थे कि चार नाम हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यही हमने अपनी आसानी के लिए बताना था। और फिर एक जुमला अगर आपके सामने रखा जाए तो अली इज़ ईटिंग माई फूड, तो इसमें से बताया था कि नाउन्स हमें अलग करने हैं। अली एक नाउन है, माई नाउन है, फूड नाउन है। अली एज अ सब्जेक्ट है आया यहाँ पर, माय पजेसिव नाउन के तौर पे और फूड ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। फिर इसमें दो चीज़ें रह जाती थी, इज़ और ईटिंग, जिसमें से इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अली के साथ इज़ क्यों आया वो हेल्पिंग वर्ब की बहस है, उसके स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे और जुमलों के अंदर हमें ये चीज़ की प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी आगे जाके। खैर, इसके अलावा ईटिंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ये पढ़ते पढ़ते फिर हम वर्ब की फॉर्म से आ गए थे और हमने कहा था वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर वर्ब्स होते हैं और एक इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर रेगुलर वर्ब्स की जो है ना फॉर्म्स पढ़ी थी तीन, और रेगुलर वर्ब्स के अंदर हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म तो सबकी बेस फॉर्म अपनी खुद की नेचुरल फॉर्म होती है, उसके बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म जो है चाहे वो रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर वर्ब हो, उनके साथ आईएनजी आ जाता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है, जैसे बैंड है तो बैंड के साथ आईएनजी लग गया, बैंडिंग, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे बिकम है, इसका ई हट के फिर आई एन जी लग जाएगा, बिकमिंग, ठीक है। फिर बात आती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की। रेगुलर वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बड़ी आसान होती है, उसमें ई डी लगा देना होता है खाली। इरेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म की शक्लें अलग अलग होती हैं और इसकी कोई निशानी नहीं बना सकते आप, ठीक है, और ये हमें याद भी करनी पड़ेंगी। इसकी कुछ मिसालें अभी देख लेते हैं। आज की इंग्लिश की क्लास छोटी होनी है क्योंकि इसके बाद का जो हमारा ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले ज्योग्राफी का जो एरिया है वो आज थोड़ा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो हमें थोड़ा रुझान ज्यादा रखना अपना। इसके अंदर से मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज निकालता हूं बीट, इसकी सेकंड फॉर्म बीट है, थर्ड फॉर्म बीटेन है। अगर मैं निकालता हूं बिगिन, सेकंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन, मतलब कोई रब्त नहीं लगेगा। बैट है तो बैट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी बैट है और थर्ड फॉर्म भी बैट है। अब इसको करने के लिए आसान तरीका यह रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स का, खाली हमें यह पता है कि रेगुलर जो है वो ईडी लेते हैं अपने साथ और इरेगुलर वर्ब्स की कुछ भी फॉर्म्स हो सकती है। अब इसके बाद वाला स्टेप ये होगा कि हम आप लोगों को शीट फराम करेंगे, अराउंड 100 वर्ब्स होंगे उसमें, और 100 ऐसे वर्ब्स होंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो एटलीस्ट पता होने चाहिए, जैसे सिट, स्टैंड, कम, गो। अब इसमें से कुछ हैं जो कि रेगुलर भी हो सकते हैं और कुछ इरेगुलर भी हो सकते हैं, जैसे प्ले है, प्ले एक रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के साथ प्लेड और प्लेड लगना है, ठीक है। लेकिन सिट है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म सिट है, बेस फॉर्म, लेकिन सेकेंड फॉर्म क्या है, सेट, और थर्ड फॉर्म सिट, सेट, सिट, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमारी तीन फॉर्म्स अलग, जबकि फिर बैट है शर्त लगाना, तो बैट, बैट, बैट। अब इसमें खाली आप देख लें कि इरेगुलर वर्ब्स इस तरह से होते हैं। जब हम इसकी जुमलों की कंस्ट्रक्शन एक आध मिसाल कर लेते हैं अभी, मिसाल के तौर पे ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन और फोर्थ फॉर्म ब्रेकिंग। अब मुझे जुमले में जरूरत पड़ रही है फर्स्ट फॉर्म की, कब पढ़ सकती है जुमले में फर्स्ट फॉर्म की जरूरत, या तो प्रेजेंट सिंपल बनाते हुए पढ़ सकती है या फ्यूचर सिंपल बनाने पढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर का जुमला बनाता हूँ कि मैं जो है
रिमोट तोड़ दूंगा, आई विल ब्रेक रिमोट, आई विल ब्रेक दिस रिमोट, मैं ये रिमोट तोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पे ये बोलता हूँ कि मैं अपनी बुरी आदतें तोड़ रहा हूँ, आई एम ब्रेकिंग माई बैड हैबिट्स, तो ये हमारी फोर्थ फॉर्म ले रहा है, सही ना। प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, शी के साथ बनाना है, तो ब्रेक अपने साथ एस ले लेगा, वो प्रेजेंट सिंपल में पहुंच के समझेंगे। शी ब्रेक्स एवरी थिंग आई गिफ्ट हर, वो हर चीज तोड़ देती है जो उसको मैं गिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमारे जो है जुमले बनते हैं, जुमलों में इस तरह से हमें काम आते हैं। हमारी अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जो कि जियोग्राफी वाले एरिया को लेकर है। लास्ट क्लास के अंदर हमने हमारी एक मिनट, इसमें वर्ल्ड मैप क्यों नहीं आ रहा है, लोड हो रहा है। एनीवेज, तो लास्ट क्लास में हमने देख लेते हैं, अगर ये लोड हो जाता है तो एक काम करो, अब्दुल बासित उस पीसी पे जाओगे तो हमारी जो स्लाइड है जियो हिस्ट्री वाली है ना, इसको खोल के देख लेना अगर तुम वर्ल्ड मैप उसमें आ रहे हैं कि नहीं, खाली मुझे वहाँ से देख के बता दो, वहाँ से तो नहीं हट गया। अच्छा, हमने जो लास्ट पढ़ा था वो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से पढ़ा था, इसके अलावा हमने जो है गल्फ कंट्रीज़ के हवाले से पढ़ा था। पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ में हमने देखा तो जो हमारी नॉर्थ साइड पे चाइना है और हमारी ईस्ट साइड पे इंडिया लगता है, हमारी वेस्ट साइड पे ईरान लगता है और हमारी नॉर्थ वेस्ट साइड पे लगता है अफगानिस्तान, और ताजिकिस्तान के बीच में अफगानिस्तान का जो है ना लैंड आ रहा था, इस वजह से ताजिकिस्तान हमारा बॉर्डर बॉर्डर नेबरिंग कंट्री बनते बनते रह गया, एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड किसका आ रहा था, अफगानिस्तान का, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए थे उस पर शो हो रहा है, मैं दोबारा खोल लेता हूँ। नहीं, इस पर ही नहीं आ रहा, एनीवेज यहाँ पर मैं दो तीन उन चीज़ों पर बात कर लेता हूँ जो मैप के अंदर दिखानी थी। मैप हमारा शो नहीं हो रहा, पता नहीं किस वजह से, लेकिन ऐसा है कि हाँ, तो लास्ट हमने फिर बात की थी गल्फ कंट्रीज़ के बारे में, तो गल्फ कंट्रीज़ हमने आठ देखी थी, अभी मैप शो नहीं हो रहा मैंने दिखा देता। तो आठ गल्फ कंट्रीज टेक्निकली बॉर्डर वाइज थी, जिसके अंदर ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरब था, बहरीन था, कतर था, ओमान था और यूएई था, ठीक है। लेकिन उसमें से जो कॉपरेशन है वो आठ का नहीं बल्कि छः कंट्रीज़ का, और ये वो छः कंट्रीज़ में ईरान इराक शामिल नहीं है, और ये कंट्रीज़ जो है ना गल्फ कंट्रीज़, ये हमारे दुनिया का अराउंड समझ लो 50% रिजर्व्स इन कंट्रीज़ के पास है और बाकी 50% इधर उधर है। अभी करंट दुनिया की जो सप्लाई है ना ऑयल की, वो तकरीबन 30% इन कंट्रीज से निकल के जाती है, और 30% जो इन कंट्रीज से निकल के जाती है ना, उसमें से आप ये समझें एक एरिया है एग्जैक्टली दिस वन, इस तरह से करके मैप के अंदर एक एरिया आता है और ये कहलाता है अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब मुझे आप यहां पर दो तीन चीजों पर बात करें, एक लफ्ज है स्ट्रेट, STRAIT स्ट्रेट, ठीक है। एक लफ्ज है इस्थमस, ISTHMUS इस्थमस, उसके ऊपर बात करूंगा मैं, ये दो वर्ड, और थर्ड वर्ड है कैनाल। इन तीन चीज़ों पे बात करनी है, उससे हमें आइडिया होगा हमारे जो है ना क्या कहते हैं वर्ल्ड मैप जो है
मैं यहाँ पर अगर टैब के ऊपर अलग से भी खोल देता हूँ ताकि मैं उसके रेफरेंस से समझा सकूँ। कोई अच्छा सा आई थिंक टेक दिस वन, नहीं मुझे का नहीं है। ये अगर क्लियर हो रहा हो थोड़ा बहुत तो ठीक है। फिलहाल हमारे सामने जो भी ये क्या है, ये सही है। तो ये हमारे पास वर्ल्ड मैप के अंदर समझ ले ये अरब का हिस्सा है, छोटा है, नज़र नहीं आ रहा सही से। और एक तरफ से जाके हमारा कैनाल है जो कि यहाँ से हमें कनेक्ट कर रहा है। ये सारे इसी तरीके से यहाँ पर हमारे नैरो बॉडीज वाटर बॉडीज़ या मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी से मिलाते हुए एक नैरो वाटर बॉडी है, ये हमारी स्ट्रेट के नाम से है। तो आप ये इसको जो हम अपने कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे मैप के अंदर भी। तो ये जो नैरो वाटर बॉडीज़ हैं स्ट्रेट्स और हमारे जो लैंड को काट के कैनाल्स बनते हैं इसका क्या रोल होता है। देखिए हमारा जो समझ लें इंडियन ओशन जो हमारे पूरे मैप के अंदर हमने एक नीचे की तरफ बड़ा सा ओशन देखा था, उसका पानी अरेबियन सी में आता है। और अरेबियन सी वो समंदर का हिस्सा है जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के साथ लगता है। अब अरेबियन सी की फिर दूसरी तरफ जाएं तो हमारा अरेबियन सी का पानी अरेबियन पेनिनसुला की तरफ जाता है। अरेबियन पेनिनसुला का एक ऊपर वाला हिस्सा जो वो अरेबियन सी के वो यहाँ से पानी को लेके हमारी गल्फ कंट्रीज तक आता है। तो यहाँ पर ये जो नैरो हिस्सा है ना ये कहलाते हैं स्ट्रेट। नैरो सी का एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जितना भी हमारा समझ ले दुनिया का तेल है ना उसका 30% यहाँ से गुजरता है। इसको अगर हम पहचानते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। और ईरान और अरब की का फड्डा होता है अगर फॉर एग्जाम्पल, और इस जगह पर ऐसा है कि अगर दो बैटल शिप्स आ गई ना तो पूरे दुनिया की तेल की सप्लाई रुक जानी और पूरी दुनिया में खतरनाक इन्फ्लेशन आ सकता है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस पर हर चीज़ डिपेंड करती है ना। तो ये एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये तो हमारे क्या कहते हैं समझ ले अरब का ऊपर वाला हिस्सा है। अब अरब का ये यहाँ से इतना क्लियर नहीं हो रहा, ये ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से की बात करूँ अगर मैं तो नीचे वाले हिस्से में रेड सी का हिस्सा, रेड सी से मेडिटेरेनियन सी तक जाना है तो उस दरमियान में एक पीस ऑफ लैंड है। दो बड़े पीसेस ऑफ लैंड्स को जोड़ने के लिए छोटा पीस ऑफ लैंड अगर मौजूद होता है वो कहलाता है इस्थमस। अब वो छोटा सा पीस ऑफ लैंड है उसको काट देना बेहतर है या अपनी शिप को पूरा यूं घुमा के यूरोप पे ले जाना, क्या लगता है? उसको काट देना, हालांकि वो भी छोटा पीस ऑफ लैंड बहुत बड़ा होता है, मतलब काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबा होता है वो। लेकिन यहाँ पर वो जो छोटा सा पीस ऑफ लैंड था इस्थमस ऑफ स्वेज के नाम से उसको काट दिया गया और उसकी जगह पर बना दिया गया स्वेज कैनाल। क्या? स्विस कैनाल। तो वो स्विस कैनाल क्या करता है, वहाँ से अब शिप्स गुजर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस शक्ल का होता है वो, इस तरह से। ये आपका रेड सी से एरिया जा रहा है तो यहाँ से जो इतना पीस ऑफ लैंड है ना इजिप्ट के अंदर ये इसको काट दिया गया और यहाँ पर इस तरह की वाटर बॉडी बना दी स्विस कैनाल के नाम से। अब कैनाल और स्ट्रेट में क्या फ़र्क है? स्ट्रेट भी नैरो बॉडी है वाटर की, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बताया मैंने, लेकिन कैनाल और स्ट्रेट में ये फ़र्क है कैनाल ह्यूमन मेड होता है और कैनाल इतना चौड़ा नहीं बना सकते, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है किसी पीस ऑफ लैंड को ऐसे खोदना कि समंदर का रास्ता बन सके, फिर गहराई भी उतनी चाहिए कि शिप्स गुजर सकें, ठीक है। जबकि स्ट्रेट क्या कुदरती नैरो रूट्स हैं। तो स्ट्रेट अगर आपको सर्च करनी हो तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स क्या है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोस है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, वो शायद हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, हाँ ये ऑफ जिब्राल्टर है। ये मेडिटेरेनियन सी है, सही है। ये नीचे का हिस्सा अफ्रीका का, ऊपर का हिस्सा पूरा यूरोपियन कंट्रीज का है, ठीक है। और ये जो मेडिटेरेनियन सी और हमारे अटलांटिक ओशन को मिलाती है जगह ये कहलाती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। अफ्रीका से जब तारिक बिन ज़ियाद हिस्पानिया जो कि आज का स्पेन है वहाँ पर गए, वो इस रास्ते से गए थे। इस रास्ते किससे गए? इस्लाम नाफिस किया स्पेन के अंदर, तो जिस मकाम से अटैक अपना इनिशिएट किया था वो मकाम था जिब्राल्टर का। जिब्राल्टर मतलब जबले तारिक, उसका नाम रख दिया गया जबले तारिक, जबल मतलब पहाड़ और तारिक मतलब तारिक बिन ज़ियाद की तरफ रेफर कर रहे। तो वो जबले तारिक मशहूर मकाम है वहाँ का, तो यहाँ से गुजरता हुआ पानी जो है ना उसके नीचे का उसको कह दिया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं लोकेशन है क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के मतलब मेडिटेरेनियन सी के एंट्रेंस और एग्जिट एक तो यह है जो कि नेचुरल है,
और दूसरी एंट्रेंस एग्जैक्ट कौन सी है? स्विस कैनाल, जो कि मैन मेड है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे स्विस कैनाल बनाया गया, वैसे ही आई थिंक यहाँ पर अगर मैं दिख जाए तो हाँ ठीक है, वैसे ही अमेरिका की साइड पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने के लिए एक नैरो लैंड है। अगर मैं दिखाऊँ, ये रहा नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को जोड़ने के लिए नैरो पीस ऑफ लैंड है पनामा, ये कहलाता है इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये भी इतना पतला लैंड है, मैप के हिसाब से तो पतला है ना, ठीक है। अगर उसको काट दिया जाए तो यूरोप से आने वाली शिप्स या यहाँ से कहीं भी आने वाली शिप्स ना इसमें से जा सकती हैं, ना कि वो पूरा घूम के जाए, सही है। तो वो जो उस इस्थमस ऑफ पनामा को काटा तो वहां पर बना दिया पनामा कैनाल, ठीक है, वो इस तरह से कुछ ये पनामा कैनाल बनाया। तो अब रास्ते पूरे यहाँ से निकल सकते हैं। तो पनामा कैनाल और स्विस कैनाल ने अराउंड कितना डिस्टेंस बचाया है? स्विस कैनाल का आप समझ लें लगभग तकरीबन इसने स्विस कैनाल के रास्ते की वजह से ना पूरा अफ्रीका घूम के नहीं जाना पड़ता, तो उससे तकरीबन 12 दिन बच जाते हैं, ठीक है, शिपमेंट्स के। और पनामा कैनाल को भी क्रॉस कर दिया ना शिप्स, पूरा नीचे से घूम के नहीं जाना पड़ता, तो उससे कुछ 21 दिन बच जाते हैं। 20 दिन ये तकरीबन पता है कितना अर्सा हो गया, ये तकरीबन इतना टाइम हो गया कि अगर ये जो पाकिस्तान के साथ सी पैक की लाइन बना रहे हैं चाइना, ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना वो तकरीबन पाकिस्तान नॉर्थ से साउथ तक कुछ 1501 किलोमीटर्स का है डिस्टेंस। तो वो बनाने से क्या हो रहा है, चाइना को पूरा नीचे से घूम के नहीं आना पड़ रहा है, और जब पूरा नहीं घूम के आना पड़ रहा है तो चाइना को 20 दिन बच रहे हैं वहाँ के इकोनॉमिक कॉरिडोर से गुजार रहा है अपने पूरे शिपमेंट्स को, और फिर वो कार्गोज गवादर पोर्ट से लोड होके फिर होते हुए रेड सी की तरफ जाएंगे, रेड सी से होते हुए वो स्विस कैनाल से होते हुए यूरोप में चला जाएगा कार्गो, और यूरोप से होते हुए मजीद अमेरिका जाना है तो वैसे तो वो उसके लिए वेस्ट का रूट अपना है ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ से अगर जाना है फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जगह तो उसके लिए क्या होगा, फिर ये मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके, फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके, फिर क्या कहते हैं पनामा कैनाल क्रॉस करके, और सरकम नेविगेट करना हो ना पूरे अर्थ को, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और पूरा घूम के अपने दूसरे बॉर्डर से वेस्ट से गुजर के ईस्ट की तरफ से घुस के दोबारा उसकी शिप सरकम नेविगेट कर सकती है चाइना की। तो मतलब खाली बताने के लिए था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज के एरियाज क्या थे, एक तो स्विस कैनाल और एक पनामा कैनाल, ठीक है, एंड हाउ मच दे सेव लाइक द डे मैनी डेज ऑफ जर्नीज। और इस वजह से और इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे बेनिफिट भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जो है ना ऑयल का, खैर ऑयल समझ लें इतना ज़्यादा घूमना पड़े तो उसमें ऑयल बहुत जाना है, ठीक है। चाइना को ऑयल की कितनी बचत है इसके लिए डिबेटेबल है, बिकॉज चाइना अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए कार्गो लेके जाता है तो उसके ट्रक्स में कार्गो आएगा गवादर तक, तो ऑयल की कितनी बचत है ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि एक शिप जो है बहुत सारे कंटेनर्स डाल देती है, शिप बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करती है फिर, ठीक है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स की लगा लो उतने वो उसकी कंजम्पशन होगी, उससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन फिर यहाँ पर यह है कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स खुद अकेले भी तो लेके जाएंगे कंटेनर्स को, तो ऑयल वहाँ भी जाने। लेकिन फिर दूसरे बड़े बेनिफिट्स है, फॉर एग्जांपल चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर चाइना को ये फायदा है कि चाइना दो हिस्सों में बटा हुआ है, उसके ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, वेस्ट साइड में पॉपुलेशन बहुत कम है और सी पैक जो कनेक्ट हो रहा है चाइना के वेस्ट साइड से कनेक्ट हो रहा है, तो चाइना की पॉपुलेशन वेस्ट में शिफ्ट होगी, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ लगना इसलिए शुरू होगी कि वहाँ से करीब है रूट, और आहिस्ते आहिस्ते आबादी उसकी उन लोगों की शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। अब नहीं खुलना, हाँ क्योंकि अब सारा हो गया, अब ना खुले अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये हमारी आज की पर्सनालिटीज़ के अंदर हमने इलॉन मस्क को इसलिए सिलेक्ट किया है कि दिस पर्सन इज़ अ समझ ले ऐसी मशीन है जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, प्रॉब्लम्स ढूंढती है पहले तो फिर सॉल्व करती है बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। और इनकी बायोग्राफी बात करने के लिए 5 मिनट बहुत बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, ठीक है, और बेहतर ये कि इसको इनका देख लिया है और उसके बाद अपने पार्ट पर सर्च कर लिया, लेकिन फिर भी एक छोटी सी इनकी दास्तान बता दूं। ये 10-12 साल के थे, ये अफ्रीकन बॉर्न है, फिर कनाडा से होते हुए यूएस में चले गए। ये 10-12 साल की उम्र थी, इन्होंने कंप्यूटर के ऊपर एक गेम बनाया 1990s क्या बल्कि उससे भी बहुत पहले की बात होगी, वो गेम बनाया और उसको इन्होंने सेल ऑफ कर दिया तकरीबन $500 में, ठीक है, ये 80s की बात होगी कुछ। उसके बाद इनकी पढ़ाई तो जारी रह रही थी, एक लोनली चाइल्ड की तरह थे और बुलीड भी थे, इनको छेड़ा भी बहुत ज़्यादा था और इस खातिर उन्होंने कराटे वराटे भी सीखी थी, बहरहाल। लेकिन ये ही वॉज अ नर्ड कहते हैं ना, बुकिश बंदा जो भी स्टडी करता था प्रॉपर। इस बंदे ने फिर इसके आगे जर्नी कैसे एनरोल होती गई, इसके अगर मैं पहली कंपनी की बात करूँ 1995 में जब इंटरनेट का तस्वुर मुश्किल से था, तो इन्होंने एक जिप 2 के नाम से जो है ना एक वो समझ लें एक प्लेटफॉर्म बनाया
जो कि न्यूज़ एजेंसीज के कंटेंट को डिजिटाइज करता था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से लेके आता था, चाहे वो डायरेक्टरीज हो, रिकॉर्ड्स हो, या कोई न्यूज़ हो, या फिर कोई मैप्स हो, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस पे लेके आता था। फिर वो कंपनी बेच दी कॉम्पैक को। उसके बाद फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेज इनका आया, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते। अब तब भी बैंकिंग बिल्कुल मैनुअल होती थी, 98 की बात होगी, 98-99 की। तब इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था x.com के नाम से। वैसा एक और प्लेटफॉर्म चल रहा था तब मार्केट में, तो उन दोनों ने मर्ज करके PayPal के नाम से कंपनी कर दी, और उसके बाद PayPal को eBay वालों ने खरीद लिया। तो उसमें इसको $1.5 बिलियन, $1.5 अरब जो है ना वो मिल गया इनका शेयर, ठीक है। उसके बाद आप समझो, या तो पूरा इनका शेयर $1.5 अरब था, नहीं था, ये बात मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद इसमें से इनका कुछ शेयर था, खैर कंपनी $1.5 अरब बिकी। स्पेस एक्स फिर इनकी, इसका थर्ड स्टेज देखो इस बंदे का। ये बंदा स्टार्ट हुआ गेम बनाने से, फिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, उसके बाद थर्ड नंबर पे एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कंपनी बनाए। अब आप लोग सोचो, चौथे नंबर पे जो इसकी इनकी थी ना, रॉकेट बनाने की कंपनी, मार्स के ऊपर रॉकेट भेजने के लिए। अब आप मतलब इट्स सो डिफरेंट। और उस कंपनी के पीछे बैकग्राउंड ये है कि इनको बस था, इस चीज़ का शौक भी था स्पेस में, और इस हवाले से फिर ये रशिया भी गए थे, वहाँ भी इन्होंने जो है ना उस हवाले से रिसर्च की, लेकिन वहाँ से इनको बड़ा एक्सपेंसिव पड़ा था। इन्होंने कहा यार ये $8 मिलियन का मुझे पड़ रहा है। इसके जब कैलकुलेट की तो कॉस्ट इनके हिसाब से 3% कॉस्ट में, 8 मिलियन की 3% कॉस्ट में तो रॉ मटेरियल आ जाएगा रॉकेट का। और यार मैं खुद ही ऐसी कंपनी बना देता हूँ जो चीप रॉकेट बना देगी। और किया इन्होंने कहाँ, $80 लाख की चीज़ को $3 लाख पे ले आए, इतनी लो कॉस्ट, और वो भी रीयूजेबल के जाएगा रॉकेट और वापस भी आएगा जो सामान ट्रांसपोर्ट करना हो। नासा आज इनके स्पेस एक्स से जो है ना इस कंपनी को यूज़ करती है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके रॉकेट्स। और ये प्राइवेट कंपनी है, एक इंडिविजुअल घर पर बैठ के स्टार्ट हुआ था। फिर इनकी और कंपनीज है, टेस्ला मोटर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए काम कर रही हैं। ये दुनिया को सस्टेनेबल बनाना चाह रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स क्या है कि कार्बन इमिशन नहीं करती, वो धुआं वो जो फ्यूल बर्न होकर होता है वो नहीं करती, और बहुत एफिशिएंट गाड़ियाँ इनकी बनाई हैं इन्होंने, ठीक है। और आए दिन कुछ ना कुछ, अभी जैसे इनकी एक कंपनी है बोरिंग कंपनी के नाम से, इनको इनको ये है कि भाई हवाओं में कार के लिए इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है कि हवाओं में गाड़ियों की बंदा तंग आ जाएगा कि आसमान पे गाड़ियाँ चल रही है। कह रहे हैं कि भाई बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ अगर कोई आइडिया इसके साथ हमें अप्लाई करना है, तो इन्होंने क्या कहा, अंडरग्राउंड टनल्स बना दो, अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो कि उसमें लोग ट्रैवल करें। अब एक तरफ रॉकेट बन रहा है और एक दूसरी तरफ अंडरग्राउंड टनल्स, लेकिन टनल्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही थी कि इस बंदे ने कंपनी बना ली बोरिंग कंपनी के नाम से जो टनल्स बनाएगी। और उसके मैं आपको एक जो है ना एक छोटी सी एनिमेशन दिखा देता हूँ जो इन्हीं के उसमें से ली थी। ये गाड़ी जा रही है अपने स्टेशन पे, अंडरग्राउंड चली गई, और अब इस सांचे के साथ जिसके अंदर ये गाड़ी गई है ना, अब ये सांचा पटरी पे ट्रैवल करेगा, गाड़ी का इंजन हो गया बंद, ठीक है। और इसकी स्पीड मतलब इतनी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर एक घंटे की जर्नी है ना, तो एक घंटे की जर्नी को ये समझ लो आप कवर अप करके दे देंगे 6-7 मिनट में, 8 मिनट में, या मैक्सिमम 10 मिनट में। ये वाली स्पीड है इसकी, क्योंकि कोई स्टॉपेज नहीं है ना, ट्रैफिक लाइट्स पर रुकना है, सब कुछ है ही नहीं। फिर इनकी एक कंपनी है न्यूरालिंक के नाम से जो इन्होंने अभी बनाई है, उसमें क्या है वो ब्रेन इम्प्लांट्स कर रहे हैं, ब्रेन के अंदर छोटी छोटी चिप्स डालेंगे। अब किसी पॉइंट पे एक तो आगे भी काम आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरफ चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो उसमें अलग इसकी जो है ना रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन अभी इनके जहन में उससे क्या मसले हल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसके हाथ नहीं है, अब जिसके हाथ नहीं है वो उसको अगर हाथ लगा भी देना मशीनी हाथ, तो मशीन मतलब रोबोटिक हाथ लगाने के बाद भी वो कम्युनिकेट कैसे करेगा उस हाथ को कि क्या चीज़ उठानी है क्या चीज़ नहीं, ऑपरेट नहीं कर सकता ना उसको। या तो मुंह से बोले कि 60 डिग्रीज हाथ पहले फोल्ड हो, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर ये उस तरफ जाए, फिर उसको ग्रिप करे, फिर ऊपर लाए, फिर करीब लाए, इतनी कमांड्स देनी पड़ेगी। जहन के साथ क्यों नहीं अटैच हो सकता, इनको ये प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए इन्होंने ब्रेन इम्प्लांट्स की ये कंपनी खोली न्यूरालिंक के नाम से, जिसमें चिप जाएगी जहन में और न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट करेगी। तो वो चिप जो है ना, जो जो हमारे माइंड में चल रहा है ना फंक्शन, जो भी हम एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो चिप कम्युनिकेट करेगी, वो पकड़ेगी और वो चिप ऑर्डर देगी आर्म को कि फलां से वो चीज़ उठा लो, सही है। इस लेवल का इनका काम है। तो इनको स्टडी करें, दिस इज द पर्सन हु गेट्स द जॉब डन, लाइक ये बंदा जो है ना प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, ये इस तरह वाले अपने मतलब हमारे अगर सराउंडिंग्स में देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक प्रॉब्लम दी जाए तो वो प्रॉब्लम दूसरी लाके खड़ी कर देते हैं, सही है। वो काम के बंदे नहीं होते, इनकी कंपनी में ऐसे बंदों को निकाल दिया जाता है कि भाई प्रॉब्लम्स मेरे पास ऑलरेडी इतनी है, जब भी मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी आप उसका सॉल्यूशन लेके आओ, सही है।
सो जस्ट गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस गाय. इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एरिया, जो लास्ट एरिया आज का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का. ठीक है, जियो हिस्ट्री का थोड़ा और डिटेल में ले जाता है, लेकिन हमारा मैप शो नहीं हुआ तो थोड़ा सा हमारी डिस्टर्ब हो गई क्लास. इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आप ये समझें कि चीज़ों का इंटरनेट. ठीक है, चीज़ों का इंटरनेट मतलब एक तो मोबाइल के अंदर इंटरनेट है. मोबाइल के अंदर इंटरनेट के होने के अलावा आप किस किस चीज़ में, पीसी के अंदर इंटरनेट है, टीवी के अंदर इंटरनेट है, लेकिन थोड़ा और सोचो, आपकी गाड़ी के अंदर इंटरनेट, आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर इंटरनेट. अब आ रही है ना वाईफाई डिवाइसेस, आपका माइक्रोवेव ओवन है, उसमें आपने कोई कच्चा चिकन डाल दिया, अब आप उसको ऑपरेट करो अपने मोबाइल से, कितने टेम्परेचर्स पे रखना है, क्या रखना है, सब कुछ. ये हर चीज़ के अंदर इंटरनेट की बात हो रही है. तो उस टॉपिक के समझना हेडिंग है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब इसके साथ हमारी क्लासेस आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा सकती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद फिर मशीन लर्निंग की तरफ जा सकते हैं. वो बड़ा प्रोग्रेसिव वर्क मतलब सारा डिस्कशन है और टाइम रिक्वायरिंग है. हम तो खाली समझ लें छिड़काव कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी रिसर्च करे बंदा खुद से. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए दो मिसालें रखी हैं खाली. फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, वो इंटरनेट के साथ इंटीग्रेटेड है, उसके सारे पार्ट्स, गाड़ी के सारे पार्ट्स एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए और वो सिस्टम इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है. अब आपकी गाड़ी के जो कनेक्शन है वो आपके किसी फॉर एग्जांपल मैकेनिक के साथ है, वो मैकेनिक भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है. एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप दोनों एक ऐसे प्रोग्राम पे कनेक्टेड हो कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई मसला आता है ना तो आपके मैकेनिक को पता चल जाता है. मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है और गाड़ी का कोई पार्ट हीटअप होकर ख़राब हो रहा है, तो गाड़ी के सेंसर्स उसको सेंस कर लेंगे और सेंस करने के बाद उसकी कंडीशंस आपको भी रिपोर्ट हो जाएगी. गाड़ी बीप करेगी और आपके मोबाइल में भी शायद नोटिफिकेशन आ जाए, और उसके साथ साथ आप जिस मैकेनिक के साथ कनेक्टेड हो उसको भी नोटिफिकेशन चली जाएगी इसकी गाड़ी में ये मसला है. उसके पास अगर वो पार्ट नहीं होगा उस गाड़ी का, मंगवा लेगा और वो अपने पास से आपको मैसेज कर देगा कि आपकी गाड़ी के अंदर ये मसला आ रहा है, तो इस मसले के लिए आप गाड़ी रिपेयर कराने आ सकते हैं इस दिन. वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा गाड़ी का. मतलब इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड चीज़. और उसके साथ साथ उसी मैन्युफैक्चरर वही जो मैकेनिक है उसके पास से फर्दर वो जो डाटा कलेक्ट हुआ ना कि कौन से पार्ट में फॉल्ट आया, तो वो डाटा वो मैकेनिक जो है उस मैकेनिक के उसी प्लेटफॉर्म से वो डाटा कम्युनिकेट हो जाएगा कार मैन्युफैक्चरर को. और वो कार और वो मैकेनिक भी पूरी वर्कशॉप्स, बड़ी वाली वर्कशॉप्स होंगे, ऐसे कोई छोटा मोटा मैकेनिक नहीं होगा वो. तो वो कार वर्कशॉप्स के साथ डाटा चला जाएगा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कि इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है. वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसके बारे में रिसर्च करके फिर उस टाइम पे निकली हुई गाड़ियों को और भी रिसर्च करेगी कि और बाकियों में तो ऐसी पॉसिबल प्रॉब्लम्स नहीं है. अगर सब में ही प्रॉब्लम है तो वो समझ जाएंगे पूरे बैच के अंदर प्रॉब्लम आई है, तो मतलब हमारे कोई प्रोडक्शन मेथड में गड़बड़ थी, तो फिर उसको सही कर सकेंगे. इतनी चीज़ें इंटीग्रेटेड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की. ये तो आगे की मिसाल है, इसको तो मतलब अडॉप्ट करेंगे आहिस्ते आहिस्ते तब जाके होगा. अगर मैं आपको एक मिसाल ऐसी दूँ जो कि अभी की है, तो वह एप्पल की एक वॉच. ठीक है, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट बन के आया था. ये एप्पल की ये वॉच है, क्या करती है, फॉर एग्जांपल एक बंदा की हार्ट बीट तेज़ हो रही है तो वो साइन दे देगी कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, आपका पल्स रेट ऊपर जा रहा है नॉर्मल से, 100 क्रॉस कर गया है, वो आपको जो है ना इंडिकेशन दे देगी. इसी तरीके से एक ये मैंने न्यूज़ देखी थी, उसमें क्या था, ये SOS एमरजेंसी SOS सर्विस कहलाती है वॉच के अंदर. SOS की फुल फॉर्म आप ढूंढोगे तो आपको मुश्किल से मिलेगी. वैसे ये है सेव आवर शिप या सेव आवर सोल, इस तरह की दो फॉर्म्स मिलेगी, मतलब हमें बचाओ, एमरजेंसी कॉल है SOS. तो एप्पल की वॉच, एक बंदा जो है ना उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके ठुकने की वजह से उसकी एप्पल की वॉच ने उस वॉच के अंदर जो घर का नंबर था ना एमरजेंसी नंबर कॉलिंग वाले, उस पर एक मैसेज भेजा. वो मैसेज क्या था कि एस एमरजेंसी SOS बॉब बर्डेट, इस बंदे का नाम था बॉब बर्डेट, कॉल्ड एमरजेंसी सर्विसेज फ्रॉम दिस अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आफ्टर एप्पल वॉच डिटेक्टेड अ हार्ट फॉल. तो इसकी वॉच ने कॉल कर दिया एमरजेंसी सर्विसेज को, ये मैसेज भेजा है किसको, इसके घर के लड़के, ये जो बंदा था ना बॉब, उसके बच्चे को मैसेज किया क्या एमरजेंसी सर्विसेज कॉल हो गई है, लोकेशन आपके फादर के एक्सीडेंट का ये था और यू आर रिसीविंग Because Bob has listed you in emergency contact. आपको ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके ये जो बॉब है उसने आपको आपके emergency contact में रखा है. और ये मैसेज आया था उस बॉब के बच्चे के पास जिसने अपने बाप का नाम बॉबियो के नाम से सेव रखा हुआ है. Anyways, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मिसालें किस तरीके से चीजें इंटीग्रेटेड है, खुद ही अपने पार्ट पे वर्क कर रही होंगी. आगे जाके थोड़ा ये स्कैरी भी हो जाएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट होगा तो आप मतलब, और मशीन लर्निंग खासतौर पर, तो आप समझ लें कि जो इंसान जिस तरह सोच सकता है ना उस तरह से मशीनें सोचना शुरू हो जाएं,
और मशीनें इंसान से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये तो अभी पूरे वर्ल्ड में डिबेट है, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो तो इसके खिलाफ भी हैं, एआई को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट साइड पे लेकर, तो एआई बिल्कुल इंसान की तरह सोचना शुरू कर देगा और इंसान में तो फिर वीकनेसेस होते हैं, वो वीकनेस का मार्जिन भी नहीं होगा उसमें। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बहस है ना वो थोड़ी स्केरी है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द लिविंग वर्ल्ड व्हाट्स कमिंग अप सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, उसके लिए प्रिपेयर भी हो सकोगे। ठीक है, हमारी आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। टाइम क्या हो रहा है वैसे? सही है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।